एक क्वेश्चन जो मेरे को पूछा जाता है, वी से दैट सैलरी शुड नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड, का मतलब है एक सैलरी होता है और उसका एक लिमिट होता है, थ्रेशोल्ड होता है, उससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। हाउएवर ओल्ड एम्प्लॉयज़ डू एक्सपेक्ट सैलरी इंक्रीमेंट्स, जो पुराने लोग हैं वो सैलरी इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है एंड इसको जवाब बड़ा सिंपल है कि हर पोजीशन का आप एक सीलिंग बता दीजिए। जैसे कंपनी में एक अगर ड्राइवर है तो उसका एक लिमिट बता दीजिए कि ये आज तू 15,000 से चालू करेगा और तू मैक्सिमम जाएगा 30,000 तक। और अगर एक अकाउंटेंट है उसको हम बोलते हैं यहाँ अकाउंटेंट के लेवल पे ये लेवल से तू चालू करेगा, यहाँ तक जा सकता है। तो सीलिंग आपको बना लेना चाहिए। नॉट ओनली आपको सीलिंग बना लेना चाहिए लेकिन आप उसको कम्युनिकेट भी कीजिए। अब अगर एक आदमी है, अगर आपका ड्राइवर है और वो 15,000 से ओवर अ पीरियड ऑफ 10 साल वो 18,000 पे गया, 20,000 पे गया, 25,000 पे गया और आपने सीलिंग रख लिया 30,000 का, तो उसे आपको बताना पड़ेगा, उसको लाइटिंग में देना पड़ेगा और उससे सिग्नेचर लेना पड़ेगा कि अब तेरा पगार को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसको बोलते सीलिंग ऑफ सैलरी, ये पोजिशन में इतना ही मिलेगा। हाउएवर अगर तूने इसके साथ अगर तूने दूसरे कामों को अपनाया और दूसरे कामों में अपना काबिलियत को बिल्ड किया, अब वही ड्राइवर अंग्रेजी सीख सकता है, वही ड्राइवर कुछ कंप्यूटर सीख सकता है, वही ड्राइवर सेल्स में जा सकता है, वही ड्राइवर कुछ और सीख सकता है, परचेस में जा सकता है, तो उसे अपने को बराबर गाइड करना पड़ेगा कि भाई अभी ये जो 8-10 चीज़ें कर सकता है इससे तेरा सैलरी बढ़ सकता है या तेरे को वेरिएबल इनकम मिल सकता है। एक्स्ट्रा इनकम कमाने का है तो कमीशन के माध्यम से तू कमा सकता है, वेरिएबल इनकम के माध्यम से कमा सकता है। अगर कोई दूसरा एम्प्लॉई एक पर्टिकुलर लेवल पे है और उसका सीलिंग पहुंच गया तो उसे प्रोजेक्ट बेस्ड इंक्रीमेंट सैलरी भी दिया जा सकता है। बोले अभी ये नया प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट करने की वजह से प्रोजेक्ट बेस्ड एक अमाउंट उसको दिया जा सकता है अगर उसने नया प्रोजेक्ट अगर किया है। पक्का बात यह है कि हर एम्प्लॉय का सैलरी जिंदगी भर बढ़ाया नहीं जा सकता, एक सीलिंग होता है, वो सीलिंग आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पुराना है बोल के उसको लगातार देते रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई भी आदमी स्किल नहीं डेवलप करता, नई कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं करता और वो एक लेवल पे बैठा है और उस लेवल का सीलिंग पहुंच गया, तो उससे बताइए कि आपके यही क्षेत्र में, जैसे एक अकाउंट्स का आदमी हो सकता है, उसे ये बताइए कि अभी तुझे फाइनेंस के बारे में सब सीखना है, तू तो अकाउंट्स में है, तुझे फाइनेंस के बारे में सीखना है, तो अभी अकाउंट्स वाला आराम से फाइनेंस के बारे में सीख सकता है। फाइनेंस में 32 टाइप के रेशियो है, 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो है। तो आज एक अकाउंटेंट नॉर्मल काम करता है और जो फाइनेंस में जो काम करता है वो आदमी, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक होता है, उसे उस चीज़ की किताब पढ़नी चाहिए, कंपनी को उसको उस तरह का प्रोग्राम्स के लिए भेजना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि अभी आगे चल के तू CFO भी बन सकता है। आज तू सीनियर मैनेजर है, कल तू CFO बन सकता है, लेकिन CFO बनने के लिए अकाउंट्स के और फाइनेंस के बाकी सब चीज़ें तेरे को मालूम होना चाहिए एंड देयरफॉर वो सब उसके KRA और KPI में डालते हुए अगर वो वहाँ पहुँचना चाहिए तो चाहता है तो वो सब चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट में डाल के उसे गाइड किया जा सकता है। एंड कंपनी कैन फंड दैट एजुकेशन 50-50 हो सकता है, वो एम्प्लॉई 50% डालता है, कंपनी 50% डालता है और पीरियड ऑफ टाइम उसको पे किया जा सकता है। लेकिन एक बात पक्का है, अगर आदमी को लेवल ऑफ सैलरी बढ़ाना है तो उसे नया काम करना पड़ेगा, उसे अलग काम करना पड़ेगा, उसके खुद के क्षेत्र में भी उसको अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा। और अगर वो अपग्रेड नहीं कर रहा है तो उसको बता दीजिए कि जिंदगी भर तेरा सीलिंग ऑफ सैलरी यहां पर हो जाएगा। सवाल को एक और बार पढ़ता हूं कि वी से दैट सैलरी शुड नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड। हर काम का आप एक थ्रेशोल्ड फिगर बनाइए। हमारे कंपनी में रिव्यूअर है, रिव्यूअर का एक सैलरी का एक थ्रेशोल्ड है, हम बोलेंगे कि उसको 30,000, 35,000, मैक्सिमम उसको 50,000 दे सकते हैं। अगर उसको अभी 60,000, 1,00,000 रुपया कमाना है तो कंपनी की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अलग अलग नए अपॉर्चुनिटीज बना के दे। जैसे हमारे कंपनी में रिव्यूअर, उसका काम है, ट्रेनर ने ट्रेनिंग किया, रिव्यूअर जो है वो जाके रिव्यू करता है कि कस्टमर ने उसको इंप्लीमेंट किया है कि नहीं। अभी थोड़े टाइम पहले हमने कहा कि अगर एक रिव्यूअर 1,00,000 रुपया महीने का बनाना चाहिए तो उसे हम
और क्या क्या दे सकते हैं। तो हम उसको बोले, हमने अपना रिव्यूअर को बोला तू पर्सनली कोचिंग और कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट ले ले, नए कस्टमर के पास जाके कोचिंग और कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट ले ले, उससे तू एक्स्ट्रा कमा ले, ट्रेनर ट्रेनिंग करके तू एग्जीक्यूशन चार्जेस वो एक्स्ट्रा कमा ले, या तो फिर तू नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जा, मैनेजर के लेवल पे पहुंच जा, तो तेरा इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर वो रिव्यूअर अगर अपना लेवल को नहीं बढ़ा रहा है, अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ा रहा, अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा रहा, तो उसे बताना पड़ेगा कि ये सीलिंग है, इससे ऊपर नहीं दिया जा सकता, नहीं तो तेरे को दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा चैलेंजिंग काम अभी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में लेना पड़ेगा, या तो फिर उसको एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, वेरिएबल इनकम कमाने के लिए, जैसे हमने रिव्यूअर को बोला आप बेच भी सकते हैं, तो प्रोजेक्ट्स बेचिए, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए तो एग्जीक्यूशन का चार्जेस लीजिए, सेल्स करेंगे तो कमीशन लीजिए, इस तरह से आपको मतलब आपको कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटीज पैदा करने पड़ेंगे ताकि लोगों का सीलिंग के बावजूद भी वो ज्यादा कमा सकते हैं। और सीलिंग तो डालना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे आदमी बैठा है, वो डिपार्टमेंट को और भी बढ़िया तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रहा, तो उसे उस डिपार्टमेंट से रिलीव करके कोई और डिपार्टमेंट में भी डाला जा सकता है, जिसपे उसकी उसको और भी कमाने का मौका मिल सकता है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ये एचआर का काम है, ये वो ओनर का काम है, ये वो डिविजन्स हेड का काम है कि उस तरह से मौका और अपॉर्चुनिटीज दिया जाए ताकि हमें लॉन्ग रन में कंटिन्यूसली पगार बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पगार बढ़ाया नहीं जा सकता बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट। All the best and thank you very much.